वेलकम बैक टू चैनल। ये हैं आज के करंट अफेयर्स। आपदा मोचन तंत्र इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। हाल ही में एनडीएमए ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आईआरएस की समीक्षा की है। एनडीएमए ने भारत में आपदाओं के प्रभावी कुशल और प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आईआरएस से जुड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य देश में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत और मानवीकृत करना है और साथ में जान माल के नुकसान को कम करना है। एनडीएमए का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अतिथि पोर्टल। हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया। यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल है जो केरल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएगा। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के द्वारा बच्चों के खिलाफ किए गए यौन शोषण अपराधों को भी ट्रैक करेगा। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। मालाबार अभ्यास 2023। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 11 से 21 अगस्त तक मालाबार अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होने वाला है। 2023 में इसका 27वां संस्करण और 31वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मालाबार अभ्यास के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑसिनडेक्स होगा। भारतीय नौसेना ने अभ्यास के लिए INS कोलकाता और INS सहादी को तैनात किया है। G20 देशों की कला प्रदर्शनी। बिहार में 7 अगस्त 2023 को G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में हुआ। इसका थीम टुगेदर वी आर्ट है जो वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है। यह प्रदर्शनी 7 अक्टूबर यानी 2 महीने तक जारी रहेगी। GOLD गोल्ड प्लान। हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसे GOLD गारंटी ऑफ लाइफ टाइम प्लान्स कहते हैं। ये एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्लान है जो पॉलिसी धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और स्थिर आय प्रदान करता है। थैंक यू।